तीसरी बार मोदी सरकार बनने की तैयारियां जोरों पर हैं। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज क्या कुछ घटनाक्रम रहा, यह हम आपको एक एक करके अपडेट दे रहे हैं। 9 जून की शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगा। आज देर शाम जेपी नड्डा के घर एनडीए नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह भी शामिल हुए। अजीत पवार भी थे, प्रफुल्ल पटेल, जयंत चौधरी भी बैठक में पहुंचे। इससे पहले दिन पुरानी संसद में एनडीए के 13 दल के नेता पहुंचे हुए थे। सभी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मोहर लगाई। मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया। इस बार एनडीए में 293 सांसद जीत कर आए और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे, उसके बाद शपथ समारोह होगा। मोदी ने संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद एक लंबा भाषण दिया। अपने संबोधन में जहां वो एक तरफ सहयोगियों का आभार जताते नजर आए, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला भर भी नजर आए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम विजय को पचाना जानते हैं, उपहास करना हमारे संस्कार में है नहीं। 4 जून को विपक्ष के मुंह पर ताले लग गए। इंडिया गठबंधन के नेता पिछली सदी के लोग हैं। इंडिया गठबंधन के नेता आधुनिकता के विरोधी हैं। विपक्ष ने देश को गुमराह करने का काम किया। पीएम मोदी ने ईवीएम के बहाने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वासी लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी निकाल जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत है, भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावना बहुत कम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच शानदार केमिस्ट्री नजर आई। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। नीतीश कुमार के संबोधन के दौरान नीतीश की बातें सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान भी दौड़ गई। नीतीश भी मुस्कुरा रहे थे और नरेंद्र मोदी भी। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वो और उनके पार्टी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ में हैं। इसी पर आपको रिपोर्ट। हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे, इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। एनडीए के बैठक में नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री दिखाई दी। नीतीश के मन में मोदी का ये सम्मान सबने देखा। सबके सामने एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए। देखिए कैसे नीतीश ने अपना हाथ मोदी के पैर की तरफ बढ़ाया और पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया।
जब एनडीए के नेता के रूप में पीएम मोदी के नाम का अनुमोदन करने के लिए नीतीश कुमार को बुलाया गया तो वो पीछे की ओर से जाने लगे, तो पीएम ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने से जाने का इशारा किया। इसके बाद जब नीतीश ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। नीतीश की बातें सुनकर पीएम मोदी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। नीतीश भी मुस्कुरा रहे थे और नरेंद्र मोदी भी। ये मुस्कान आज विपक्ष को पसंद नहीं आई होगी। नीतीश ने भरोसा दिलाया कि वो और उनकी पार्टी पूरी तरह पीएम मोदी के साथ है और उन्होंने सियासी अवसर तलाश रहे विपक्षी की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए साफ साफ कह दिया कि विपक्ष के लिए दिल्ली अभी दूर है। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है, लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। अपना संबोधन खत्म करने के बाद जब नीतीश वापस अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्होंने पीएम मोदी के पैर छुए तो पीएम ने उनका हाथ पकड़ लिया। पूरा हॉल तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। नीतीश और पीएम मोदी के बीच ये अंडरस्टैंडिंग आने वाले 5 सालों के लिए मजबूत सरकार की ओर इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना हो लेकिन एनडीए के नेताओं का पूरा समर्थन मोदी के साथ है। भले उत्तर भारत में इस बार फिर बीजेपी का प्रदर्शन गिरा हो लेकिन दक्षिण में ऐसे राज्यों में कमल खिला जहां से बीजेपी को एक नई सियासी जमीन मिलती हुई नजर आ रही है। समझते हैं दक्षिण की कहानी इस रिपोर्ट में। आज जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मानो केसरिया समंदर तमिलनाडु से मेरा रिश्ता राजनीति का नहीं है, ये रिश्ता दिल का है। मुझे तमिलनाडु की मिट्टी ने हमेशा असीम प्रेम दिया है। आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इनकी लूट की हर दुकान पर ताला डालना है। मार्च 2024 पलनाडु आंध्र प्रदेश। मंच पर दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण धुआंधार भाषण दे रहे थे। अपार जनसमूह अपने चहेते फिल्म अभिनेता के रियल पॉलिटिकल अवतार में देख निहाल हुआ जा रहा था। लेकिन अचानक पवन कल्याण के भाषण के बीच रैली में जुटी भीड़ में से
कुछ उत्साही नौजवानों ने जो किया उससे नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है, प्लीज नीचे आइए। आप मीडिया वालों ने आपकी फोटो ले ली है, आप नीचे आइए। मोदी को प्रचंड जनादेश तक पहुंचाने में दक्षिण के दुर्ग का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने अनवरत प्रयास किए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने दक्षिण भारत में भगवा पताका लहराने का मिशन 10 साल पहले ही शुरू कर दिया था। पीएमओ के रिकॉर्ड से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के बीच 5 दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु की 146 यात्राएं की। उन्होंने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में इन राज्यों की 73 यात्राएं की थी। इनमें से एक तिहाई से अधिक यात्राएं पिछले 3 वर्षों में हुई। इस दौरान 2022 में 13, 2023 में 23 और 2024 में 17 अप्रैल तक 23 यात्राएं की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइमलाइन के दौरान पीएम मोदी की ओर से की गई घरेलू यात्राओं में दक्षिणी राज्यों का दौरा पहले टर्म में 14% से बढ़कर दूसरे कार्यकाल में 18% पहुंच गया। मार्च 2024 की बात है, पीएम मोदी ने 7 घंटे में साउथ की 76 लोकसभा सीटों को नाप लिया था। 5 मार्च से लेकर 19 मार्च तक मोदी दक्षिण के सियासी गढ़ में बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर थे। मुख्तसर बात यह भी है कि दक्षिण के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी को पाने के लिए बहुत कुछ था, जबकि खोने के लिए कुछ खास नहीं। इसलिए उत्तर में होने वाले नुकसान की भरपाई दक्षिण से करके मोदी ने राह आसान बना ली। मोदी का दक्षिण परिवार। तमिलनाडु में अन्नामलाई और आर शरत कुमार को इलेक्शन बैटन थमाकर मोदी ने परिवारवादी राजनीति में परिवर्तन का अभियान छेड़ा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और फिल्म स्टार पवन कल्याण को जोड़कर मोदी ने चुनाव को एक तरफा बना दिया। कर्नाटक में जेडीएस से गठबंधन बीजेपी के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन बनता दिख रहा है। वही तेलंगाना में बंडी संजय कुमार और जी किशन रेड्डी को फ्रंट फुट पर लाकर मोदी ने कांग्रेस और केसीआर का खेल बिगाड़ दिया। केरल में राजीव चंद्रशेखर, अनिल एंटनी और वी मुरलीधरन का जोर भी साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी राजनीति का दक्षिण में विस्तार किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि मोदी दक्षिण में तमाम दलों की बनाई छद्म उपराष्ट्रवाद की धारणा को भी ध्वस्त करते दिख रहे हैं, जो 2029 तक नए विस्तार की रूपरेखा तैयार करता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी का पहला दौरा काशी का हो सकता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। 2014 और 2019 की तरह इस बार भी पीएम मोदी पहले काशी जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून को वाराणसी जा सकते हैं और तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी का वाराणसी का अहम दौरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी पूजा अर्चना करेंगे, गंगा आरती में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं, वहीं एक रोड शो भी प्रधानमंत्री मोदी काशी में कर सकते हैं और साथ ही काशीवासियों को जीत के लिए धन्यवाद भी दे सकते हैं। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना।
नरेंद्र मोदी को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद वो 10 जून को वाराणसी जा सकते हैं। बनारस के बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री को दिल्ली में जीत का सर्टिफिकेट भी दिया। शपथ ग्रहण के बाद नरेंद्र मोदी के पहले दौरे की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और काशी की जनता का आभार जताने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में मथा टेक सकते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी के दौरे पर आएंगे। काशी ने भी तीसरी बार प्रधानमंत्री को सांसद बनाया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री काशी का आभार व्यक्त करने के लिए काशी आ रहे हैं। 10 और 11 जून को लेकर अभी प्रारंभिक तैयारियां चल रही हैं। 2014 में भी पीएम बनने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर नए सफर के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया था। नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। माना जा रहा है कि पीएम मोदी विशेष विमान से 10 जून को वाराणसी आएंगे। पीएम मोदी वाराणसी से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी अजय राय को 1.5 लाख वोटों से हराया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोड शो भी कर सकते हैं और एक सभा भी कर सकते हैं। फिलहाल संगठन ने भी कई कार्यक्रम तैयार किए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के, एहतराम के, और तमाम सारे कार्यक्रमों को प्रशासन को सौंपा गया है। अब उस जगह के निर्धारण हो रहा है जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, तो 10 और 11 जून को यानी कि शपथ लेने के फौरन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी पहुंचेंगे और अपनी काशी का आभार व्यक्त करेंगे। इसको लेकर काशी के लोग भी और भाजपा कार्यकर्ता भी उत्साहित है। वाराणसी। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इसी बीच आपको बता दें कि खबर आई यूपी में अप्रत्याशित जीत के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जोश हाई है। समाजवादी पार्टी ने 2019 के मुकाबले जहां 5 से बढ़ाकर अपनी सीटें 37 कर ली हैं, तो वहीं कांग्रेस भी 1 सीट से 6 सीट तक पहुंच गई। ऐसे में कार्यकर्ता दोगुने उत्साह में जुटे हुए हैं। वहीं विपक्ष के नेता भी बीजेपी के खिलाफ मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस पर रौनक बनी हुई है। वहीं कल एसपी दफ्तर पर संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई। समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक कल सपा दफ्तर में आयोजित की जाएगी, जिसमें अखिलेश यादव के साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सड़क से लेकर संसद तक किस तरह से मुद्दों को धार देनी है, किस तरह से सरकार को घेरना है, इसकी रणनीति भी तय की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने संसदीय बोर्ड की कल बैठक बुलाई। कल लखनऊ में एसपी की मीटिंग होगी। नव निर्वाचित सांसदों संग अखिलेश बैठक करेंगे। अखिलेश यादव कल सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। शनिवार को समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें चुनाव परिणाम को लेके, आने वाले दिनों में रणनीति को लेके चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी आगे के रोड मैप को तैयार करने के लिए कल संसदीय बोर्ड की बैठक करने जा रही है। एक तरफ जहां यूपी में बड़ी जीत से समाजवादी पार्टी गदगद है, वहीं भगवान राम के नाम पर राजनीति को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा जा रहा है। एसपी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने इस जीत को, जहां लोकसभा चुनाव की जीत को जनता की जीत बताया, वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भगवान राम प्रजा में भेदभाव नहीं करते थे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो थे, सेकुलर थे, उन्होंने कहीं पर भी जनता के साथ दुर्भावना से काम नहीं किया था। समान रूप से उन्होंने जनता को देखा था। और फिर आज अगर देखा जाए तो जहाँ जहाँ भगवान राम रहे, अयोध्या में, चित्रकूट में, और जहाँ जहाँ रहे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हारी है।
यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जहां अखिलेश ने शानदार प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस भी अपनी सीट 1 से 6 करने में कामयाब रही। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जनता का समर्थन आज भी कांग्रेस के साथ है, आने वाले कल भी कांग्रेस का है। 2027 में बीजेपी की हार होगी। आप भाजपा की 400 पार का नारा दे रहे थे, कहाँ है 400 पार? 80 में 80 यूपी में बोल रहे थे, कहाँ हैं? 10 लाख पार कहाँ हैं? सब तो फेल हो गया। जो आपका था कि हमारा ये हमारी गारंटी है, सारी गारंटी फेल हो गई। आने वाला कल कांग्रेस का है और जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। 27 की रणनीति गठबंधन हमारा मजबूत है, आगे भी चलता रहेगा और देश हित के, राष्ट्रहित में, समाज के हित में मिलकर काम करेंगे और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे 27 में यहाँ से। यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन पर जनता ने ज्यादा भरोसा जताया। बीजेपी 2019 वाला प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई, उसे 33 सीटें मिली और 29 सीटों का नुकसान हुआ। एसपी ने जहां 37 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस के हिस्से में भी 6 सीटें आई। ऐसे में यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह होना लाजमी है, लेकिन देखना यह है कि विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दे पर वो संसद में कितने मुखर हो पाते हैं।